चलिए जानते हैं 2 BHK 709 स्क्वायर फीट सैंपल फ्लैट के बारे में, जिसे हम शो फ्लैट भी कह सकते हैं। जो फ्लैट है वो देख सकते हो आप, काफी ज्यादा लग्जरियस और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, जिससे शायद आपको आपका खुद का घर सजाने की भी आइडिया आ जाए। तो चलिए जानते हैं, जैसे कि हम ये लिविंग रूम, इसे आप लिविंग प्लस डाइनिंग रूम भी कह सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको आपका सामान रखने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा जो लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया है वो 10x19.3 के डायमेंशन में बना हुआ है। आप देख सकते हो इन्होंने जो लिविंग प्लस डाइनिंग रूम है बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे सोफ़ा है, सोफ़ा रखने के बाद भी आपको यहाँ पे स्पेस है जहाँ पे आपके चेयर है, आपका स्टडी टेबल कह सकते हो इसे, आपका नॉर्मल लिविंग टेबल है यहाँ पे। इसके बाद भी आपको यहाँ पे आप आपका अच्छे से टीवी या आपका होम थिएटर सजा सकते हो। उसके बाद भी आपको बहुत ज़्यादा मूविंग स्पेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका डाइनिंग है, डाइनिंग रखने के बाद भी आपको इधर बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। जैसे ही हम ड्राइंग रूम से आगे बढ़ेंगे, चलिए हमारी संडे की बालकनी देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग्जूरियस है। यहाँ से जो है आप आपके पूरे शहर का व्यू ले सकते हो। यहाँ पे आप आपका छोटा एक कॉफ़ी टेबल बना के आपके सनसेट का और सनराइज का भी मज़ा ले सकते हो। हमारी संडे की बालकनी से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं किचन की तरफ। हमारा जो किचन है 7.6x9 की डायमेंशन में बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं किचन। किचन भी काफ़ी लग्जूरियस और प्रीमियम है। किचन की बात करें तो किचन पे जो है आपको बहुत ज़्यादा दोनों तरफ स्पेस अवेलेबल हो जाता है। आपका रेफ्रिजरेटर रखने के बाद भी आपको काफ़ी ज़्यादा एंट्रेंस स्पेस है। यहाँ पे जो है आप आपके कबर्ड्स रख सकते हो, जिसमें जो है आप आपके सब सामान का स्पेस अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे आपको देख सकते हो आप, आपको यहाँ पे हर एक चीज़ रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस दिया गया है। किचन में जो है आपको 24/7 जो है वाटर सप्लाई है। यहाँ पे जो यूज़ किया गया है, यहाँ पे जो ब्रांड का यूज़ किया गया है नल में, वो भी काफ़ी ब्रांडेड है। तो किचन भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम और लग्जूरियस स्पेस आपको देता है और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड होती है किचन में। तो किचन से जैसे ही हम निकलते हैं, हम हमारे कॉमन बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं। कॉमन बाथरूम भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस और प्रीमियम क्वालिटी के जो सब चीज़ें हैं वो यूज़ की गई है, जैसे कि नल हो गया, वॉशर हो गया, शॉवर हो गया, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और लग्जूरियस है। जैसे ही हम हमारे कॉमन वॉशरूम से बाहर निकलते हैं, हम हमारे पहले बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 10x12 के डायमेंशन में बना हुआ। आप बेडरूम देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस और प्रीमियम बेडरूम है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पूरा पूरी तरह से लग्जूरियस फील होता है कि आपका पूरा घर इतनी सुंदर तरीके से मैनेज किया गया है। आपको एक थोड़ी बहुत आइडिया भी मिल चुकी होगी कि आप अगर आपका खुद का बेडरूम डिज़ाइन करोगे तो कैसे करोगे। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी अवेलेबल है। आप आपका यहाँ पे एक छोटा सा बुक शेल बना सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको शहर का पूरा व्यू मिल जाता है आपके बेडरूम से, जहाँ से आपको वेंटिलेशन बहुत अच्छी तरीके से मिलता है, आपको धूप आपके बेडरूम में बहुत अच्छी मिलती है। अगर हम आगे बढ़े, स्पेस की बात करें, हमारे कपड़े मैनेज की या हमारे कबर्ड की बात करें, तो ये आपको आपके कबर्ड के लिए भी बहुत अच्छा और बहुत प्रीमियम स्पेस अवेलेबल हो जाता है। देख सकते हो आप आपके ड्रॉअर बना सकते हो, यहाँ पे आपका खुद का लग्जरियस कबर्ड बना सकते हो। यहाँ पे भी आप आपका एक छोटा टेबल बना सकते हो, जहाँ पे आप आपके नाइट के बुक्स, लैम्प जो भी है वो आप रख सकते हो। बेडरूम फर्स्ट से जैसे ही हम बाहर निकलते, तो चलिए बढ़ते हैं हमारी मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम जो है 10x12 की डायमेंशंस में बना हुआ है। आप बेडरूम देख सकते हो, काफ़ी लग्जूरियस और प्रीमियम है। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप आपका स्टडी टेबल रख सकते हो या आपका ड्रेसिंग टेबल बना सकते हो। यहाँ पे आपको जो है वार्डरोब मिल जाता है, आपका वार्डरोब आप बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाता है, जो लैम्प स्पेस बना सकते हो, छोटा रीडिंग टेबल रख सकते हो आपके लिए जैसे, और आपको जो है बेड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। बेड देखिए आप, यहाँ पे बेड रखने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल गया है वॉकिंग मूविंग के लिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल हो जाता है। आप यहाँ पे आपका
छोटा सा ट्रीज जोन रख सकते हो, जिससे आपको एक पॉजिटिविटी आपके रूम में बनी रहेगी। आप यहाँ से अगर हम ओपन करें तो यहाँ से आपको आपके मास्टर बेडरूम से भी शहर का पूरा व्यू मिल जाता है, और आपको वेंटिलेशन फैसिलिटी भी यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और आपको मास्टर बेडरूम के साथ ही एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम भी जो आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम और लग्जीरियस है। यहाँ पे जो है आपको क्वालिटीज के नल, क्वालिटीज का शॉवर और सब यूज़ किया गया है। तो ये था हमारा 2 BHK सैम्पल फ्लैट। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी, मैं जानती हूँ आप जानते हो, तो भी जो आपको इस वीडियो में दिखाई गई है शो की चीज़ें या जो भी चीज़ें यहाँ पे थी वो आपको फ्लैट या रूम के साथ अवेलेबल नहीं होंगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, हमने अभी इस वीडियो में देखा 2 BHK 709 स्क्वायर फीट फ्लैट, और इसके साथ ही हमें 2 BHK में और एक वेरिएशन देखने मिल जाता है 604 स्क्वायर फीट फ्लैट। इसमें जो है आपको जोड़ी कंसेप्ट भी मिल जाता है, इट मीन्स कि आप 2 BHK 2 BHK करके 4 BHK में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको दो वेरिएशन है, 1 BHK और 2 BHK। 1 BHK में भी आपको जो है 1 BHK प्लस 2 BHK आप 3 BHK में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जिसे आप जोड़ी कंसेप्ट कह सकते हो। तो ये था हमारा पूरा प्रोजेक्ट का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग या इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग और कुछ जानकारी चाहिए तो हमने आपको जो है नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और इन्फॉर्मेशन के लिए हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे। और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस प्रोजेक्ट को विजिट कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, लग्जीरियस और बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रोजेक्ट है। अगर आपने अपना सपनों का घर ले लिया है तो आपके फ्रेंड या आपके फैमिली मेम्बर अपने सपनों का घर लेने से ना चुके, इसलिए उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए अगर कोई क्वेरी होगी तो। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और स्टे ट्यून ताकि आपको ऐसी और सुंदर और ब्यूटीफुल वीडियोस देखने मिलती रहे।